हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग किचन टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं मैगी से रिलेटेड रेसिपी लाई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। देख के आपको पता ही लग गया होगा, ये मैगी के मैंने पकौड़े बनाए हैं जिनका टेस्ट बिल्कुल ही हटके है। पकौड़ी से भी अच्छा मैगी का पकौड़ी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, चावल का आटा, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, हरा मिर्चा कटे हुए, हरा धनिया और मैगी के दो छोटे पैकेट। और ये हमने पैन रख दिया है और इसमें एक ग्लास पानी डाल दिया है और दो पैकेट मैगी के। दो मिनट इसको पकाना है मीडियम फ्लेम में। मैगी हमारा पक चुका है, अब इसको अलग से बर्तन में निकाल के थोड़ा ठंडा होने दें। मैगी हमारा ठंडा हो चुका है, इसको हम एक बर्तन में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये हम 2 स्पून बेसन डालेंगे, 2 स्पून चावल का आटा, 2 पतले बारीक हरे मिर्चे कटे हुए, 1 छोटा चम्मच हल्दी, धनिया जीरा पाउडर मैंने साथ में मिक्स कर लिया है, 1 छोटा चम्मच डालेंगे, हरा धनिया और मैगी के टेस्ट मेकर दोनों इसमें डाल देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक हमें कम डालना है क्योंकि मैगी मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा तो हम इसको हैंड से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा सूखा हो रहा है। अगर आपको लगता है सूखा है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है पकौड़ी के लिए। कढ़ाई हमने गैस के ऊपर रख दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा पकौड़ी तलने के लिए। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम मैगी की पकौड़ी बना लेते हैं। मैं बॉल शेप का बना रही हूँ, आप चाहें तो इसका कोई भी शेप बना सकते हैं। ये खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। एक बार आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें। मैगी तो सभी की फेवरेट होती है, बच्चे हों या बूढ़े, सभी को बहुत पसंद आता है और बनाना भी ये सभी को आता है। तो एक बार इस टाइप से मैगी के पकौड़े बनाइए तो आपको एक बार नहीं बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का मन करेगा। और ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, जल्दी से एक एक करके हम सारे पकौड़े इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करना है। एक साइड से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई होने में इसको 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसको पलट देंगे, ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे मैगी पकौड़े बन रहे हैं, हम इसको मैगी बॉल्स भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे मैगी के पकौड़े बनके रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप लोग भी इस यूनिक रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बच्चों को क्या, सभी को बहुत पसंद आएगा। एक बार आप लोग बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। आप इसको स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम, या बच्चों के टिफिन में भी इसको रखा जा सकता है। आप लोग तो जानते ही हैं बच्चों को डेली टिफिन में अलग अलग चीज़ें बनाकर देना होता है, तो इसको ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स, मैं नॉर्मली बहुत से सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Till then, goodbye.